Hey guys, welcome to my YouTube channel. मेरा नाम शर्मिष्ठा है. सो आज मैंने काफ़ी दिन बाद एक व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बस ऐसे ही कहीं लॉकडाउन के चक्कर में ज़्यादा कहीं जाना नहीं हो पाया. सो आज हमने प्लान किया है सीपी में बंगला साहिब गुरुद्वारे जाने का. तो आज मैं आपको वहाँ लेके चलूँगी एंड चलो देखते हैं कि वहाँ हमें कैसे दर्शन होते हैं. और जिन लोगों ने नहीं अभी तक बंगला साहिब गुरुद्वारा देखा है तो आज मैं उन्हें वहाँ की सैर कराती हूँ, वहाँ दर्शन करवाती हूँ. तो चलो देखते हैं कैसे रहता है हमारा यहाँ का ट्रिप. सी यू. सो यहाँ पर अभी हम कार को पार्क करके हम गुरुद्वारे में एंटर कर रहे हैं. सो गुरुद्वारे में अंदर जाने से पहले हम यहाँ पर अपने जूते डिपॉज़िट करते हैं, शूज़ उतार कर. और जो भक्त गुरुद्वारे के जो भक्त हैं वो ही यहाँ पर ड्यूटी में रहते हैं जो कि आपके शूज़ रखते हैं. सो यहाँ पर जूते उतारने के बाद हम गुरुद्वारे के दर्शन करने चले हैं. तो एक चीज़ हमें ये यहाँ पर इसमें हम पैर धोते हैं और पैर धो के फिर हमें ऊपर जाना होता है. और हमें यहाँ पर गुरुद्वारे में सॉक्स पहनना अलाउड नहीं है. मैंने भी सॉक्स पहनी थी तो मुझे कहा गया था कि आप सॉक्स उतार दें, तो अंदर सॉक्स ले जाना भी अलाउड नहीं है. और सर के ऊपर से आपकी चुन्नी भी बिल्कुल, सर नंगा नहीं होना चाहिए, सर के ऊपर कुछ ना कुछ कपड़ा ज़रूर ढका होना चाहिए. नहीं तो वो आपको, जितने भी ऑन ड्यूटी भक्त हैं वो आपको टोकते रहेंगे कि आप अपना सर कवर करो, सर कवर करो. यहाँ पर अंदर गुरुद्वारे में शूट करना अलाउड नहीं था जो कि मुझे नहीं पता था. तो कैमरा अलाउड नहीं था. सो मुझे बाद में बोला गया तो मैंने बंद कर दिया था. सो मंदिर के दर्शन करके हम इस दरवाज़े से बाहर निकलते हैं और सामने ही एक पॉन्ड सा है, पानी है और इतना अच्छा व्यू लगता है, इतना रिलैक्सिंग और पीसफुल होता है कि मन करता है कि यहीं बैठे रहो. इतनी शांति मिलती है इस दृश्य को देख के और यहाँ पर घूम के. बहुत ही अच्छा लगता है. इट्स अ मस्ट विजिट. सो उस पॉन्ड में आप देखिए आपको कुछ फिशेस दिखेंगी बिल्कुल ही कॉर्नर में ही, स्टेयर्स के पास ही ऐसे घूम रही होती हैं. इतनी अच्छी लगती हैं, ये ऑरेंज कलर की फिशेस हैं और बहुत ही सुंदर लगता है ये व्यू. और ठंडा ठंडा पानी हमने अपने सर पे लगाया और बहुत बहुत ही अच्छा लगा. सो पॉन्ड के इस साइड पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी जो कि हमें नहीं पता था. और फिर वहाँ पर जो ऑन ड्यूटी भक्त थे उन्होंने हमें बोला कि आप यहाँ पर मत करिए, तो हमने उस बंद कर दिया था. तो लेकिन इसके राइट ऑपोजिट जो सामने वहाँ पर अलाउड था, वहाँ लोग फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे थे, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो भी था वो सब कर रहे थे. और यहाँ इस साइड पर तो हम आ गए थे और हमें बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पर
आके इतनी शांति मिल रही थी, इतनी शांति मिल रही थी, इतना पीसफुल था, तो आनंद आ गया। सो हमने प्रसाद लेके अब हम घर जा रहे हैं। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे और पार्किंग में यहाँ पर वो कहते हैं जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी दो, तो पार्किंग का ऐसा कोई फिक्स प्राइस नहीं होता यहाँ पर, आपकी जितनी श्रद्धा है उतने पैसे दे सकते हो पार्किंग के लिए। फाइनली हम घर आ चुके हैं और हमें बहुत अच्छा लगा बंगला साहिब जाके। आज ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं पहले कभी नहीं गई थी और वहाँ पर वीडियोग्राफी अंदर मंदिर में अलाउड नहीं थी, तो हमें बहुत ही लिमिटेड, हमें बहुत ही कम चांस मिला वीडियोग्राफी करने का, मेरे को शूट करने का। तो जितना भी मैं दिखा सकी तो मैंने आपको कोशिश की, जितना मैं दिखा सकी मैंने आपको दिखाया है। सो आई होप आपको वो अच्छा लगा हो, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप वहाँ अगर नहीं गए हैं तो आप वहाँ ज़रूर जाइएगा, ज़रूर दर्शन करिएगा। और अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो वहाँ जब भी आप दिल्ली आते हैं तो ज़रूर बंगला साहिब के दर्शन करिएगा। सो और हमें वहाँ से ये प्रसाद मिला था, हलवा प्रसाद, तो ये हमने खा लिया है, मैंने घर में सबको दे दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।